टाइटल तो बड़े हासिल किए हैं, लेकिन इसकी हुकूमत सरपरस्ती अभी तक नहीं हो सकी। अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो हमारे पास इतना टैलेंट मौजूद है, अगर उनको इनक्रेज किया जाए तो वो प्रोफेशनल टैलेंट भी ला सकते हैं। सिर्फ हमारे बाद में चाइना स्नोकर में आया, आज उसके 34 प्लेयर 128 में खेल रहे हैं। उन चाइना में 2 से 2.5 घंटे की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास होती है। हमारा बच्चा या क्लब में सिगरेट पीने आता है या मौसीकी सुनने आता है, उसको पता ही नहीं ये गेम है क्या। हमारे पास टैलेंट बहुत है लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है, इस वजह से टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हुकूमत से बहुत बाना गुजारिश है और सरकारी सतह पर भी गुजारिश है कि इसको सीरियस लिया जाए। हमारा टैलेंट जो वो ज़ाया हो रहा है, इसमें टैलेंट बहुत है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे अब एक खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसकी जॉब हो, उसको टेंशन ना हो। अब खिलाड़ी खेल रहा हो तो उसको ये टेंशन होती है कि यार मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। और आपको पता है ये रॉयल फैमिली की गेम है, इसको जो है ना वो मिडिल मैन लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अब 100 रुपये की गेम है, मिडिल मैन कहाँ से लेके आएगा 5 मिनट बाद 100। अगर उसको हुकूमत सरपरस्ती करेगी तो आगे वो उसको फाइनेंशियली टेंशन उसकी दूर करेगी तो परफॉर्म करेगा ना। और हम और जो हमारा टैलेंट है नया, बहुत इसमें टैलेंट है, हमारा टैलेंट प्रोफेशनल को टच करता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं, इस वजह से वो ज़ाया हो जाता है। डिसपॉइंट हो जाते हैं कि यार हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इस वजह से मेरी मौतबाना गुजारिश है, और जैसे केपी को मैं बहुत क्रेडिट बहुत ज़्यादा देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इमरान साहब ने खसूसी टेबल प्रोवाइड की है, बहुत अच्छा वेन्यू, और केपी के को भी पता चला होगा कि यार बाकी वेन्यू ये और अच्छा सब ने खेल पेश किया। बाकी पार्ट ऑफ द गेम है, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, एक ने जीतना होता है एक ने हारना होता है। सऊद बहुत अच्छा खेले, सुहेल को क्योंकि बैड लक रही कि वो अनफॉर्चुनेटली हार गए, बाकी पार्ट ऑफ द गेम है। बहुत अच्छा इवेंट कराया इमरान ने, इमरान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, इसने बहुत अच्छा और ये कामयाबी समझता हूँ रॉबर्ट स्नोकर फैक्ट्री की। ये अभी शुरुआत है, अभी इन्होंने इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे भी इवेंट करवाने हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्यों ये खुद खिलाड़ी हैं। अभी लास्ट गुजरात में ऑल पाकिस्तान हुआ था, इस बंदे ने 62,000 रुपया सेंचुरी का एक प्ले किया था, 62,000। टूर्नामेंट कोई कराया तो 50,000 पहला नाम होता है, इसने 62,000 रुपया पहली सेंचुरी का, ये बाहर सेंचुरी स्नोकर की। बाकी बातें करने वाले बहुत है, काम करने वाला इधर कोई नहीं है, बातें जितनी मर्जी आप करा लें लेकिन ये काम से पहचान इसने अपनी बनाई है। तो मैं हमारी दुआएं इसके साथ है, जैसे भी ये काम करें हम शाना बशाना इसके साथ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये खिलाड़ी, ये खिलाड़ियों की पेन खिलाड़ी समझता है, बाकी बातें करने वाले बहुत ज्यादा। अगर काम करें सब एज अ पाकिस्तानी ये काम करेंगे, यार ये हम सब का काम है, मिलजुल के काम बांट ले, ना के 2 बंदे उधर हैं 2 बंदे उधर हैं, वो तहसबाजी वाली बात है। सब मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा टैलेंट इतना है कि हम प्रोफेशनल में भी ये मेडल जीत के ला सकते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है आसिफ भाई, माशाल्लाह।